ओह अच्छा, ये सेवियाँ किस चीज़ की बनती हैं? ये जी रबड़ी है, फलूदे के अंदर जो रबड़ी डलती है वो है ना, कचोरी है अच्छा जी। ये ऊँट के कीमे की टिकिया ना, ये भी ये क्या अंदर जा रहे हैं उनके पास, पतीला भी बता रहे हैं, स्टीम रोस्ट भी रखा हुआ इन्होंने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट एपिसोड ऑफ गुजरांवाला। अभी जो है हम आए हैं लांगड़िया वाली गली मीना बाजार नंबर 3 में। यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा लेडीज हैं, बहुत रश लगा हुआ है, हलाल भी लगकर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना एक शॉप है अल नूर शीरी महल वाले, इनका इनके पास एक स्पेशल कचोरी होती है, हम वो ट्राई करने आए हैं। बाकी जो चीज़ें इनके पास हैं वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। एक प्लेट में क्या करना है? इधर रश लगा हुआ काफ़ी ज़्यादा, और ये भाई पीती हैं बहुत ज़्यादा। क्रीम चाट, ये क्रीम चाट है, इधर रसमलाई है, ये रसमलाई रखी हुई है, समोसा है, चिकन की। ये कचोरी आपकी देखने में बड़ी स्पेशल लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे इंडियन कचोरी नहीं होती, अंदर से खाली हो गया ऐसे लग रहा है देखने में। ऐसी कचोरी खुश है, अच्छा ऑयल बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये खोए वाला लड्डू है, बहुत मज़ेदार। अच्छा सही हो गया। ये जो है ना ये कचोरी ये अभी मेरे सामने आई है, सिर्फ इसमें से खुशबू उठ रही है इस टाइम, और वो ही बड़ी कमाल की है। साथ इन्होंने पतीसा और ये शक्कर पारे भी रख दिए हैं, जो ट्राई कर लेते हैं। दिखने में ना ये बड़ी सिंपल सी कचोरी, कोई इसमें वो ज़्यादा बल छल नहीं है, सिंपल मतलब ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ के रख के ऊपर से उसको ऐसे बंद कर दिया गया। तो ये 90 रुपीज़ की है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कचोरी है ये देखो, धुआं इसमें उठ रहा है, इतनी फुल मसाला गर्म कचोरी है ये। इसको जैसे श्रेडेड चिकन है, और इसको ना मसाले वगैरह लगा के उसकी फिलिंग की गई है, क्योंकि जो आउटर लेयर है वो बड़ी सॉफ्ट है, क्रंची क्रंची और थोड़ी सॉफ्ट भी साथ में। इसको ट्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बना लेते हैं। यार जो इसकी बार वाली लेयर है ना, उसका पता नहीं चल रहा किधर जा रही है वो, और इतनी वो सॉफ्ट है जैसे रोटी होती है ना, बिल्कुल रोटी की तरह सॉफ्ट है ये, देखो बिल्कुल ये देखो ये तो ना क्रिस्पी होना चाहिए था, लेकिन ये देखो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं है, ज़्यादा नरम ये रोटी जैसे ये। और जो फिलिंग है ना ये वाली अंदर वाली, ये फिलिंग बहुत कमाल है यार, और चारी चारी फिलिंग है थोड़ी सी, और चारी और जो हल्दी वाला फ्लेवर है ना इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, उससे बहुत मदद की चीज़ लग रही है यार। टोटली फ्रेश कचोरी है ये, बहुत कमाल। खोए वाला लड्डू, खोए वाला लड्डू कहते हैं ना इसे आप, गुजिया लड्डू। ये तो ओए ये तो सारा गिर रहा है भाई, ये तो ये देखो, ये देखो खोया इसके अंदर फीलिंग। ऐसे लग रहा है रसगुल्ला अंदर रखा हुआ है, बाहर वाली लेयर जो वो मैदे की है, और वो समोसे वाली लेयर है, और जो अंदर से है वो मिठाई से लगा, इसके अंदर रसगुल्ला रखा हुआ है। समोसे की जो होती है ना मतलब पैकिंग के अंदर हमने अंदर रसगुल्ला पैक किया हुआ है, सुबह 12 से शाम 7 बजे तक है, 7 बजे सब माशाल्लाह माइंड अप हो जाता। अच्छा जी हमने यहाँ से कचोरी खा ली है, बहुत कमाल की कचोरी इनकी, और मिठाई भी बड़ी कमाल की थी, कि जो खास खोए वाला लड्डू था ना, भुजिया ही लड्डू पता नहीं वो भूल गया, नाम भूल गया, इतना अजीब सा नाम था, तो वो हमने खाई है वो बड़ी कमाल। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ढूंढ रहे हैं, अब हमें खुद नहीं पता हमने कहाँ जाना है। तो अभी यार ये जो पीछे सारा बाजार है, और ये फुल मतलब फुल क्राउडेड एरिया है। मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा था कि बाजार के शॉर्ट्स लो, लेकिन लेडीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा, तो लेते हुए थोड़ा मुझे मसला हो रहा है। यार ये अपनी दुकान पे ले हैं हमें, अली गांव से अपनी हमें गाम फलूदा हाउस पे ले हैं। तो जी ये है गाम फलूदा हाउस, ये बाज़ार है पूरा, बाज़ार के अंदर ये शॉप मौजूद है इनकी, ये शॉप है जी। ये फ्रूट चाट इसमें कोई क्रीम श्रीम नहीं डालते ना? अच्छा ये पूरी चाट ही तैयार कर दी उन्होंने जी, ऐसे तैयार होती है ये। ऊपर चटनी ये कुर्बानी की चटनी उसकी है, इमली की चटनी डाली, ठीक है। ओह अच्छा ये सेवियाँ किस चीज़ की बनती हैं? किस चीज़ की? चावल की स्टार्च है, ठीक है, ये चावल की स्टार्च से बनाते हैं ये। हाँ
ये रबड़ी है, ये रबड़ी है। मेरी रबड़ी आ गई इसके अंदर। ये इसमें बर्फ आ गई। ये कुल्फा है? ये कुल्फा आ गया इसमें। ये जामिश्री आ गया। अच्छा ये दोनों अलग अलग है? एक ही फ्लेवर है। अच्छा एक चीज़ है ये जी, ये स्पेशल कुल्फा, स्पेशल फलूदा तैयार हो गया। ये जी रबड़ी है। फलूदे के अंदर जो रबड़ी डलती है वो है ना, ये देखो ये खोए की तीन उन्होंने ना वो स्कूप्स बनाए हैं खोए के, नीचे इसके रबड़ी है और उसके नीचे जो है सेवियाँ। या तो इसको मिक्स करके खा लें या फिर, वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे, मिक्स करके खाना चाहिए या मिक्स करके खाना चाहिए ना? ये हाँ ये नीचे सेवियाँ हैं, ये देखो ये सेवियाँ नीचे इसके, और साथ जो है ना ये ऊपर फलूदा, ये कुल्फा डला हुआ और साथ में रबड़ी है। ये बर्फ़ जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है मुझे, वो चुपके साइड में फेंकने लगा। चलो ये चीज़, ये हमारी फुल बाइट बनेगी जो इससे, ये लोडेड बाइट जो होगी ये चीज़ कुल्फा। इसमें लाए वाला फलूदा, फलूदा इसमें लाए वाला बना फलूदा। जो कुल्फी है ना ये खोए का बनाया हुआ, खालिज खोए का बता रहे बनाया हुआ। और ये बड़ा मज़ा कर रहा है, देखो बिल्कुल ऐसे खोए का जैसे पेड़ा होता है ना, ये वो खोए का जैसे पेड़ा होता है वैसे ही वे चीज़ बनी हुई है। और ये पूरा मतलब आइसक्रीम एक बन जाती है अंदर जाके, लेकिन है प्योर खोए की आइसक्रीम, ये खोए वाली कुल्फी कहते हैं ना। हाँ ये कुल्फा बनाया हुआ उन्होंने खोए का, प्योर कुल्फा। ये रबड़ी ये है बन रहा फलूदा, ये ट्राई करना है। अरे अंदरून शहर है। अरे कौन सा बाजार है ये? ये वाला लकड़ वाला पुल है, लकड़ वाला पुल इसे कहते हैं। मतलब ये बाजार है और ये फुल सिस्टम रश है यहाँ पे शदीद। ये भाई ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है चल। ये उर्दू बाजार वाला चौक बनता है, चौक ये वाला चौक से आप इस तरफ आएंगे, ये जलंधर ड्राई क्लीनर इसके बिल्कुल साथ है। ये हाफिज़ जी ऊँट, ऊँट की तस्वीर बनी हुई है, ऊँट ये टिक्कियाँ बड़ी हुई हैं इनके पास। चलिए ये ऊँट के कीमे की टिक्कियाँ ना, ये भी ये क्या दिखाते हैं अंदर, अंदर लो जी अंदर जा रहे हैं हम इनके पास। पतीला भी बता रहे हैं उसके पास, स्टीम रोस्ट भी रखा हुआ है इन्होंने लो जी। ये ओ हो अच्छा माशाल्लाह, ये बीफ का है, ये चिकन है, ये तैयार हो गया हुआ है, वो तैयार हो रहा है। 2011 से स्टार्ट किया था। अच्छा नया स्टार्ट किया माशाल्लाह यार, माशाल्लाह बरकत है आपके काम में। मतलब देखने में लग नहीं रहा कि नया सेटअप है, मतलब ऐसे लग रहा है कुछ तो से चलता हुआ काम के साथ साथ भी अपडेट होता है। हाँ अच्छा है माशाल्लाह, इस तरह की चीज़ें जो है ना मतलब कम लोगों के पास होती हैं। ये टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, क्या इसको 3-4 मिनट दोनों साइड है या एक साइड करते हैं? दोनों साइड बारी बारी। तो पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वो पॉइंट्स हैं जिन तक आपका पहुँचना शायद मुश्किल है, क्योंकि इधर ऐसा है कि एक तो ये बहुत बाज़ार का रास्ता है, बाज़ार का एरिया सारा बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे है, बाइक्स पर आना यहाँ पे तकरीबन नामुमकिन वाला हिसाब है। जो दुकानदार यहाँ पे हैं या जो यहाँ के कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन खाने के लिए स्पेशल यहाँ पे आपका आना शायद मुश्किल है, इसलिए मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ। ये वाकई हिडन जेम है, जो जैसे अली गाम भाई ने बताया कि इधर आम बंदा नहीं पहुंच सकता, गुजरांवाला के अक्सर लोगों को भी इन जगहों का नहीं पता। ये जी हमारा आ गया पीस, ये हमारी 190 की है बोटी, और ये ऊँट की टिक्कियाँ, ये सारा ऊँट का ही है, ये बीफ है, सॉरी बीफ है, बीफ है, ये ऊँट है, ये बीफ है और ये ऊँट की टिक्कियाँ, ठीक है। ब्लैक बीफ कहते हैं। ये किसी का, किस चीज़ की बोटी है? ये गर्दन की बोटी, गर्दन की है, महंगी तरीन बोटी, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा लाइव दिखा नहीं सकता मैं आपको, ये मेरे साथ तवा लगा हुआ है और यहाँ से मैं उठा उठा के खाई जा रहा हूँ। ये देखो ये देखो ये जो है ना ये बीफ का गर्दन का पीस है और ये ऊँट की टिक्कियाँ हैं। अभी हम ये ऊँट की पहले टिक्की ट्राई कर लेते हैं यार, ये देखो कितनी जूसी है यार पूरी, ये ऊँट की टिक्की थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड है लेकिन मज़े की लगता है।
मैंने देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ड्राई है, देखो देखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा ड्राई है, लेकिन ड्राई नहीं है ये। जो आप इसको चबाते ना अंदर जाकर इसका जूस निकल रहा सारा मीट। एक्चुअली जो मीट है ना वो जूसी है, इसमें ऑयल नहीं है, उस तरह से ऑयल नहीं होता। देखने में थोड़ी हार्ड लग रही है लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ है। मसला हरी जिसमें देखो स्पेशल ना, इसमें हरी मिर्चें हैं, इसमें हरी मिर्चें वगैरह और इस तरह के मसाले थोड़े हैं, वो खड़े खड़े मसाले डाले उन्होंने इसके अंदर, प्याज हरी मिर्च और सूखा धनिया वगैरह, उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है इसके अंदर। ये देखो अच्छा, ये गर्दन का गोश्त है। गर्दन के गोश्त के अंदर चर्बी होती है, जो जो बर्गर बनाते हैं ना, जिसना जो बीफ का बर्गर, बीफ फिले बर्गर बनता है या बीफ पैटी बर्गर जो बनता है, उसमें अगर गर्दन का गोश्त आप लेके उसका कीमा कर लेना तो वो बड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि गर्दन के गोश्त के अंदर 80-20 वाली रेशो ऑलरेडी मौजूद होती है। तो इसमें देखो ये रोगन ऑलरेडी है, गोश्त है ना ये स्टीम हुआ है, थोड़ा सा हार्ड है, जैसे 100 बीफ होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, उस तरह की इसमें ना इस तरह का टेक्सचर का उस तरह का है, और चबाने से उसमें जूसेस बाहर निकल रहा है, सही जूसी और मीटी फ्लेवर है इसका। ये स्टीम से उससे ज़्यादा ना अच्छी मुझे टिक्कियाँ लगी हैं, ये जो टिक्की चल रहा है ना वो टिक्की अच्छी है ज़्यादा। ये इसको ना ये डिपा लेते हैं थोड़ा रायते के अंदर, रायते के साथ मज़ा आ रहा है, लेकिन इसमें ना अदरक की किक बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, बड़ा तेज अदरक है इसके अंदर, मज़े की लग रही है। अभी मैं जब खाना खा रहा था ना, जब टेस्ट ले रहा था, तो ये मेरे साथ खड़े रहे, बिल्कुल बड़े गौर से मेरी बात सुन रहे थे, जैसे मैं पता नहीं क्या कोई मतलब फर्स्ट वाला जा रहा हूँ, लेकिन अंकल मैं कहा खा रहे बड़े गौर से आप सुन रहे थे ना, मैं कहा पता नहीं क्या देखा, नहीं नहीं मैं लाहौर से हूँ मैं, ठीक है अच्छा शुक्रिया, ठीक है अच्छा जी। हमने टिक्कियाँ चुकियाँ खा ली हैं और ये वीडियो हम आज यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, गुजरावाले की सीरीज़ को यहीं पर एंड कर रहे हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली सीरीज़ के अंदर, आगे शायद सरगोधा की सीरीज़ आएगी, तो हमने इधर जाना ना, हमने इधर जाना। तो ये टिक्कियाँ यार बहुत अच्छी थी, जो रोस्ट था ना वो थोड़ा ड्राई था, बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड था, लेकिन जो टिक्कियाँ थी ना वो अच्छी थी, तो मुझे टिक्कियाँ अच्छी लगी हैं। भैया भी मुझे यहाँ पर टिक्कियों के लिए गया था, मैंने ऐसी फनकारी लगाते हुए मैंने रोस्ट मंगवा लिया स्टीम रोस्ट, तो आप टिक्कियाँ खा सकते हैं यहाँ पर। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।